नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के लोगों को एक बड़ी खुशी मिलने जा रही है। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने बिहार की राजधानी पटना को अब दिल्ली बनाने का फैसला ले लिया है, चेन्नई बनाने का फैसला ले लिया है, कलकत्ता बनाने का फैसला ले लिया है। ये नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब इन्हीं शहरों के तर्ज पर बिहार की राजधानी पटना में भी CNG बसों का परिचालन किया जाने वाला है, वो भी बहुत जल्द। और संचालन किस रूट से होगा और कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि बिहार की राजधानी पटना में CNG बसों का परिचालन किस रूट से और किस तरह से हो रहा है। बिहार परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी पटना में डीजल बसों की जगह CNG बसों को चलाने का फैसला लिया है। अब पटना में दिल्ली और कई बड़े मेट्रो शहर के तर्ज पर CNG बसें चलेंगी। CNG बसों के परिचालन से न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि बसों के व्यय खर्च में भी कमी आएगी। डीजल बसों को CNG में किया गया तब्दील। पटना परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा नगर बस सेवा में परिचालित होने वाले डीजल चलित 20 बसों को CNG में परिवर्तित कर उसका सफल ट्रायल किया गया है। अब बहुत जल्द ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। पटना के महत्वपूर्ण मार्गों पर यह परिचालन होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पटना शहर के विभिन्न मार्गों पर CNG बसों का परिचालन के लिए रूट का निर्धारण किया जा रहा है। फिलहाल इन बसों का परिचालन पटना नगर बस सेवा के इन मार्गों पर किया जाना है। गांधी मैदान से दानापुर स्टैंड, गांधी मैदान से पटना साहिब स्टेशन, गांधी मैदान से NIT और दानापुर स्टेशन से गांधी मैदान आदि मार्गों पर CNG बसों का परिचालन कराया जाना है। बता दें कि पिछले साल पटना में एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत हुई थी। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने गांधी मैदान से बस को हरी झंडी दिखाई थी। एयरपोर्ट के लिए दो रूटों पर बसों का संचालन के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी। तब कहा गया था कि 200 नंबर की बस गांधी मैदान से स्टेशन होकर इनकम टैक्स वैली रोड शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट तक जाएगी। वहीं 100 नंबर की गांधी मैदान से पटना जंक्शन, आर ब्लॉक, हज भवन होकर एयरपोर्ट तक जाएगी। वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट से गांधी मैदान के बीच कोई अन्य यात्री बस में सवार नहीं हो सकेगा। बीच में उतरने वाले यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। 50 रुपये में गांधी मैदान से एयरपोर्ट जा सकेंगे। तो बड़ी खबर और अच्छी खबर कही जा सकती है बिहार के लोगों के लिए और पटना के लोगों के लिए। बिहार की राजधानी पटना को अब मेट्रो शहर का रूप दिया जाने लगा है। मेट्रो शहर के तर्ज पर अब राजधानी पटना में भी बसों का परिचालन किया जाएगा और ये बसें डीजल रहित होंगी। डीजल वाली बसें नहीं होंगी, CNG वाली बसें होंगी। इससे होगा ये कि प्रदूषण में तो कमी आएगी ही आएगी, खर्च में भी कमी आएगी। राजस्व में जो खर्चा आता था, राजस्व से जो खर्चा जाता था, वो उस खर्चे में अब परिचालन में कमी आएगी। इसको लेकर अब लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार भी इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है कि लोगों की समस्याएँ जल्द से जल्द दूर की जा सके, चाहे किसी भी लेवल की हो। वो लॉकडाउन की बात हो या फिर कोरोना संकट काल की बात हो या फिर किसी अन्य बात की बात कर ले। लेकिन फिलहाल परिवहन विभाग ने जो फैसला लिया है वो बड़ा इसलिए है क्योंकि लोगों को राहत मिलने वाली है CNG बसों के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।